सरकार के गठन के बाद अब केंद्र ने जहां एक तरफ कामकाज शुरू कर दिया है तो कई रणनीतियों को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद रहे। सवाल है कि इस बैठक का एजेंडा और वजह क्या रही। सामने आया है कि राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक खत्म हो गई। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से निकले। 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार के लिए पक्ष के साथ कई विपक्षी दलों को साधने की रणनीति पर बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव जीतकर एनडीए ने सरकार बना ली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन गए और कैबिनेट में मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी बढ़ चुका है। अब बाकी बचा है एक आखिरी काम, लोकसभा स्पीकर का चयन। बीजेपी नीत एनडीए के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। पिछली सरकार में तो कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने स्पीकर की गद्दी संभाली थी, लेकिन मौजूदा सरकार में अभी इस गद्दी पर कौन काबिज होगा उसका चयन नहीं हो सका। मोदी कैबिनेट 3.0 के शपथ ग्रहण और पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद अब 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है और इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद का 8 दिवसीय विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चल सकता है। संसद के विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच विपक्ष ने स्पीकर पद को लेकर सनसनी मचा दी। दरअसल 10 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है। ऐसे में 5 साल से जो डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, विपक्ष उसे लेने के लिए दबाव बना सकता है। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें नहीं दिया जाता तो वो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। विपक्ष इसके लिए तैयारी कर रहा है। इन सारी बातों के बीच बीजेपी ने इस पर मंथन शुरू कर दिया। इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार के लिए पक्षों के साथ कई विपक्षी दलों को साधने की रणनीति पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।